नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ रविंद्र वर्मा और आज बात करेंगे गोहाना सिटी की, जहां पर कल लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया है। उसके बाद जो है हम चर्चा कर रहे हैं गोहाना सिटी की कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कैसा मुकाबला रहा, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है बता दें कि पिछला लोकसभा जो चुनाव है, यहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां से चुनाव लड़ा था और जो है 1,65,000 से ज्यादा की मार्जिन से सोनीपत लोकसभा का चुनाव वो हार गए थे। अब जो है यहां पर कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को यहां से मैदान में उतारा था और पिछले बार की बजाय अब की बार जो है गोहाना सिटी में कांग्रेस का अच्छा जो है परिणाम यहां पर देखने को मिला है। और बता दें कि रिजल्ट ये है कि बूथ वाइज आपको बताएंगे कि कौन से बूथ पर जो है कितनी वोट कांग्रेस को मिली है और कितनी बीजेपी को मिली है। पहला सबसे पहले जो जिक्र करते हैं बूथ नंबर 44, 45, 46 और 47, जो कि देवीपुरा क्षेत्र की ये बूथ्स है, जहां पर 44 नंबर बूथ पर जो है बीजेपी को 450 वोट मिली है, वही कांग्रेस को 341 वोट मिले हैं। 45 बूथ पर 501 बीजेपी को मिले हैं, 234 कांग्रेस को मिले हैं। वहीं 46 नंबर बूथ की बात करें तो 298 जो वोट है वो बीजेपी को मिले हैं और 147 कांग्रेस को मिले हैं। वहीं 47 नंबर बूथ की बात करें तो 524 वोट जो है वहां पर बीजेपी को मिले हैं और 208 वोट जो है सतपाल ब्रह्मचारी को मिले हैं। टोटल की बात करें तो 1773 वोट जो है बीजेपी को मिले हैं और 930 सतपाल ब्रह्मचारी को मिला है। तो यहां की बात करें तो यहां पर 843 वोटों की जो लीड है वो बीजेपी को मिली है। इसके अगला जो बूथ की बात करें तो 48 नंबर बूथ जो है एफसीआई में ये बूथ है, वहां की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 364 वोट मिले हैं और इसके अलावा कांग्रेस को 215 वोट मिले हैं। यहां पर भी बीजेपी को ही बढ़त मिली है 149 वोटों की। इसकी बात करें तो 49, 50, 53 और 59 वोट जो बूथ है उसकी जिक्र करेंगे कि ये जो बूथ है ये गवर्नमेंट कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है उसका बूथ है, जहां पर 49 नंबर जो बूथ है वहां पर 533 वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं और कांग्रेस को 284 वोट यहां पर मिले हैं और बीजेपी को 50 नंबर बूथ पर 567 वोट मिले हैं, वही कांग्रेस को 204 वोट मिले हैं। 53 नंबर बूथ की बात करें तो 382 वोट जो है बीजेपी को मिले हैं और 295 वोट सतपाल ब्रह्मचारी को मिले हैं। 59 नंबर बूथ की बात करें तो 307 वोट जो है बडोली को मिले हैं और 391 वोट कांग्रेस को यहां पर मिले हैं। और टोटल की बात करें तो 1,789 वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं और 1,174 वोट कांग्रेस को मिले हैं। यहां पर भी बीजेपी को 615 वोट की लीड यहां पर मिली है। उसके बाद बात करें 51 नंबर बूथ की तो वहां पर 262 वोट जो है बीजेपी को मिले हैं और ये जो बता दें 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 और इसके अलावा 60 वोट, ये जो बूथ है वो जगबीर सिंह मलिक के बूथ है, जहां पर जगबीर सिंह मलिक रहते हैं, उनकी वोट भी इन्हीं बूथों पर पड़ती है। और 52 नंबर बूथ की बात करें तो 229 जो वोट जो है बीजेपी को मिले हैं, 210 कांग्रेस को मिले हैं। 84 नंबर बूथ की बात करें तो 183 वोट बीजेपी को पड़े हैं और 233 वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं। 55 नंबर की बात करें तो 314 बीजेपी को वोट मिले हैं और 198 कांग्रेस को मिले हैं। 56 नंबर बूथ की बात करें तो 380 वोट जो है बीजेपी को मिले हैं और 133 जो वोट है वो कांग्रेस को मिले हैं। इसके अलावा 57 नंबर बूथ की बात करें तो 512 वोट जो है बीजेपी को मिले हैं, 157 कांग्रेस को मिले हैं। 58 नंबर की बात करें तो 399 वोट बीजेपी को मिले हैं और 326 वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं। उसके अलावा 60 नंबर की बात करें तो 60 नंबर में भी बीजेपी को 486 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 203 वोट मिले हैं। और यहां पर भी टोटल की बात करें
तो बीजेपी को 2765 और कांग्रेस को 1713 वोट मिले हैं, जहां पर 1052 की लीड कांग्रेस को यहां पर मिली है। 61, 62, 63, 64 ये बूथ है सत्यानंद पब्लिक स्कूल के, जहां पर 61 नंबर बूथ पर बीजेपी को 473 वोट मिले हैं, कांग्रेस को मात्र 90 वोट मिले हैं। 62 नंबर बूथ पर 425 वोट बीजेपी को मिले हैं और कांग्रेस को 114 रन वोट मिले हैं। 63 नंबर की बात करें तो 380 बीजेपी को मिले हैं, 166 कांग्रेस को मिले हैं। 64 नंबर की बात करें तो 561 वोट बीजेपी को मिले हैं और 167 कांग्रेस को, या टोटल की बात करें तो यहां पर 1839 वोट जो है बीजेपी को मिले हैं और 537 वोट कांग्रेस को मिले हैं। टोटल की बात करें तो यहां पर 1302 वोटों का मार्जिन बीजेपी को यहां पर मिला है। अगला सेंटर गवर्नमेंट स्कूल बॉयज का है, जहां पर 65, 66, 67 और 68 बूथ की वोट पड़ी थी, जहां पर बीजेपी को 484 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 110, 66 नंबर पर 393 बीजेपी, 185 कांग्रेस। 67 बूथ की बात करें तो 502 बीजेपी, 184 कांग्रेस। 68 नंबर की बात करें 424 बीजेपी, 158 कांग्रेस को यहां पर वोट मिली है। टोटल की बात करें तो 1803 वोट जो है बीजेपी को मिली है और 607 वोट कांग्रेस को मिली है। यहां पर भी बीजेपी को ही लीड मिली है, जहां पर 1196 वोट टोटल मार्जिन यहां पर बीजेपी को मिला है। अब बात करते हैं जैन स्कूल के बूथों की, जहां पर 69, 70, 71 और 72 बूथ यहां पर की वोटिंग यहां पर पड़ती है। 69 बूथ की बात करें यहां पर जो है बीजेपी को 464 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 144 वोट मिले हैं। 70 पर 416 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 339 वोट यहां पर मिली है। 71 नंबर की बात करें तो 517 बीजेपी को वोट मिली है और 153 कांग्रेस को वोट मिली है। 72 नंबर की बात करते हैं, 531 वोट जो है बीजेपी को पड़े हैं और 96 जो वोट है वो कांग्रेस को यहां पर मिले हैं। टोटल की बात करें तो 1928 वोट बीजेपी को मिले हैं और कांग्रेस को 732 वोट मिले हैं, जहां पर इसका भी आंकड़ा 1196 वोट यहां पर भी बीजेपी को बढ़त मिली है। अगला सेंटर धर्मपुरा बस्ती प्राइमरी स्कूल का है, जहां पर 73, 74 और 79 बूथ यहां पर पड़ते हैं, जहां पर 73 नंबर बूथ पर 294 वोट बीजेपी को मिली है, 215 वोट जो है कांग्रेस को मिली है, 74 नंबर पर 250 वोट बीजेपी को मिली है और 216 वोट कांग्रेस को यहां पर मिली है। 79 बूथ की बात करें तो 563 वोट बीजेपी को मिली है और 317 वोट कांग्रेस को यहां पर मिली है। टोटल की बात करें तो यहां पर 1107 वोट बीजेपी को मिले हैं और 758 वोट कांग्रेस को मिली है, और यहां पर भी बीजेपी को 349 वोटों की बढ़त यहां पर मिली है। अगला सेंटर अग्रवाल स्कूल विश्वकर्मा चौक की बात करें, जहां पर 75 और 76 नंबर बूथ है, जहां पर बीजेपी को 383 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 295 वोट यहां पर मिले हैं। 76 नंबर बूथ की बात करें तो 432 वोट बीजेपी को और 223 वोट कांग्रेस को मिले हैं। टोटल की बात करें तो 815 वोट बीजेपी को और 518 वोट कांग्रेस को मिली है, जहां पर 297 वोट का जो है बीजेपी को यहां पर बढ़त मिली है। सेक्टर 7 में बने प्राइमरी स्कूल के दो बूथों की बात करें, 77 और 78, जहां पर बीजेपी को 77 बूथ पर 283 और कांग्रेस को 413 वोट मिले हैं। 78 नंबर बूथ की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 334 और कांग्रेस को 381 वोट यहां पर मिले हैं। टोटल की बात करें तो 617 वोट बीजेपी, 794 वोट कांग्रेस को यहां पर मिले हैं, जहां पर इस बूथ की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को 177 वोट की यहां पर बढ़त मिली है। इससे अगले सेंटर की बात करें तो हरियाणा स्कूल है, जहां पर 80, 81, 82 और 83 बूथ है,
80 नंबर बूथ की बात करें तो बीजेपी को 367 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 158 और 81 बूथ पर 336 बीजेपी को, 105 कांग्रेस को, 82 नंबर में 539 बीजेपी को, 129 कांग्रेस को यहां पर मिले हैं। 83 नंबर बूथ की बात करें तो यहां पर 427 वोट बीजेपी को, 181 कांग्रेस को यहां पर मिली है। टोटल की बात करें तो 1669 बीजेपी को, 573 कांग्रेस को यहां पर मिली है। और लीड की बात करें तो 1096 की लीड यहां पर बीजेपी को मिली है। उसके अगला बूथ की बात करें तो बाल भारती विद्यापीठ स्कूल के दो बूथ यहां पर है, 84 और 85, जहां पर बीजेपी को 378, कांग्रेस को 187 और 85 नंबर बूथ पर बीजेपी को 310 और कांग्रेस को 283 वोट यहां पर मिले हैं। टोटल की बात करें बीजेपी को 688 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 470 वोट मिले हैं। टोटल में बीजेपी को 218 वोटों की यहां पर लीड मिली है। अगले सेंटर छोटूराम स्कूल की है, जहां पर 86, 87, 88 नंबर बूथ है, जहां पर 86 नंबर बूथ पर बीजेपी को 213, कांग्रेस को 181, 87 पर 309 वोट बीजेपी को और 215 कांग्रेस को मिले हैं। वहीं 88 नंबर बूथ की बात करें तो बीजेपी को 240 और कांग्रेस को 210 वोट यहां पर मिले हैं। टोटल की बात करें तो 762 वोट बीजेपी को मिले हैं और 606 वोट कांग्रेस को मिले हैं, जहां पर बीजेपी को भी यहां पर 156 वोटों की लीड यहां पर मिली है। अब बात करते हैं लास्ट बूथ की, जहां पर गीता स्कूल में ये बूथ बने हुए हैं, जहां पर 89 नंबर बूथ पर बीजेपी को 460, कांग्रेस को 241 वोट मिले हैं, 90 नंबर बूथ पर बीजेपी को 401 और कांग्रेस को 202 वोट मिले हैं। 91 नंबर की बात करें तो बीजेपी को 288 और कांग्रेस को 157 वोट यहां पर मिले हैं। 92 नंबर बूथ की बात करें तो 420 बीजेपी को और 314 कांग्रेस को यहां पर वोट मिले हैं। और 93 नंबर की बात करें तो 304 वोट बीजेपी को मिले हैं और 323 वोट कांग्रेस को यहां पर मिले हैं। और टोटल की बात करें तो 1873 वोट जो है बीजेपी को मिले हैं और कांग्रेस को 1237 वोट मिले हैं। और टोटल की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 636 वोटों की बढ़त यहां पर मिली है। गोहाना शहर में बीजेपी को 19,792 वोट मिली, कांग्रेस को 11,079 वोट जो है मिली है। टोटल बीजेपी को 8,713 वोटों की गोहाना शहर से बढ़त मिल पाई।